भाई। और रमजान में और भी ऐसे अमाल होते हैं जो हमें करना चाहिए, जिसमें हम बहुत पीछे हैं कुछ अमालों में, जिनमें हमारा बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। बंदा कितनी मेहनत करता है, दिन भर का रोजा होता है, 13 साढ़े 13 14 घंटे का। हम सहरी में कुछ खाते हैं, फिर हम जाके 14 घंटे में खाते हैं, और हमें इस इतने वक्त में हम सारे काम कर रहे होते हैं। फर्ज नमाज भी हमने पढ़ी, नफिल नमाज भी हमने पढ़ी, ठीक है, फिर हमने रोजा इफ्तार भी करा, फिर मगरिब की फिर जो है तरावी की नमाज होती है, हमने वो भी पढ़ी ना, तरावी की नमाज। लेकिन दो कामों में हम फिर भी इतने पीछे हैं कि रमजान में हम वो करने के लिए तैयार नहीं, रमजान में हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तौबा कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, कि रमजान में तौबा जो कर ले, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू इतने गुनाह करके पूरे आसमान भर दे, पूरा आसमान, सोचे इतने क्या किसी के गुनाह होंगे, पूरा आसमान जो है गुनाहों से भर दे, पूरी जमीन जो है गुनाहों से भर दे, जो बीच का दरमियाना हिस्सा है वो भी गुनाहों से भर दे, एक बार मुझसे कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ फरमा देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, वफिरू इलल्लाह, कि दौड़ो अल्लाह की तरफ। भाई इंसान कितनी चीजों के पीछे दौड़ता है। हम कभी कोई ट्रेन पकड़ने जाए और ट्रेन जा रही हो जा रही हो जा रही हो और हम पहुंचे हो बिल्कुल आखिरी डब्बा वाले, छोटा हम भागेंगे नहीं, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ना है। इसी कुव्वत से हम अल्लाह ताला को जब पकड़ने जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, वो तो मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। तो हम अल्लाह ताला से अगर अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ वैसा ही मामला करेगा। तो अल्लाह ताला से तौबा करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी है, किस चीज की, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, कि मैंने जो 11 महीने गफलत की जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला की नाफरमानी करी, सूर मैंने खाया, जिना मैंने की, चोरी मैंने की, गीबत मैंने, नमाज मैंने छोड़ी, माँ बाप की नाफरमानी मैंने की, और जो है तमाम गुनाह किए, अल्लाह ताला से गाफिल रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से गाफिल रहा, पड़ोसियों को मैंने सताया, लोगों को मैंने सताया, माल मामलात में मैंने गड़बड़ी करी, किसी के पैसे लिए तो दिए नहीं, किसी को दिए तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करा, किसी को ताने मारे होंगे, ठीक है, और अल्लाह ताला को तमाम तरीके से हमने नाराज किया। क्या इस रमजान में हमारी ये सोच है कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें और अल्लाह ताला से रो के माफी मांगे कि अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे, ये महीना अच्छा है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें मेरे भाइयों, अगर तौबा करेंगे, तौबा करने वाला अल्लाह अल्लाह ताला को पसंद है जो तौबा करता है, और जो अकड़ता है, तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला के सामने झुकता नहीं है, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले बंदे को नहीं पसंद फरमाते। जर्रा बराबर भी तकब्बुर, घमंड अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तौबा करने की कोशिश करें दोस्तों, कोशिश करें, अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं। देखें कितनी अजीब बात है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने भी लोग बनाए, बादशाह बनाए, बड़े लोग बनाए, जब आप इनके सामने मांगते हैं तो इन्हें क्या होता है, इनको देते हुए घबराहट होती है, इनका दिल छोटा हो जाता है, क्योंकि दुनिया के बादशाह इन्हें देते हुए इनको लगता मेरे पास चीजें कम ना हो जाए। अल्लाह ताला एक वाहिद जात है जिसको देते हुए, जिसके खजानों में कमी कोई नहीं, जिसके खजाने बहुत आला है, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा है, जो देते देते भी कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम उस अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, हम अल्लाह ताला से उस अल्लाह से क्यों तौबा नहीं, जो हर चीज दे सकता है। तो अल्लाह से मांगने की कोशिश करिए, और एक अमल ये कि रमजान में दुआ कर, अपने आप को दुआ का आदि बनाए। हम रोजा भी रख रहे हैं, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं, हम जो है नफिल नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत ये भी हम कर रहे हैं, और इसे हमें करना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट दुआ के लिए निकाले? हमने क्या अपनी आखिरत के लिए अल्लाह ताला से सवाल किया? क्या हमने अपने रिस्क के लिए अल्लाह ताला से सवाल किया?
क्या जो मसाइल हमारे फंसे हुए हैं, क्या हमने अल्लाह ताला से दुआ की? हम मखलूक के लिए तो मोहताज बन रहे हैं, मखलूक से तो उम्मीद लगा रहे हैं कि फला साहब मेरा काम कर दे, फला साहब मेरा काम कर दे, लेकिन हमारी उम्मीद अल्लाह से कोई नहीं है। हम अल्लाह से, हमारे पास 5 मिनट नहीं है कि हम अल्लाह ताला की से दुआ करें, हमारे पास 2 मिनट नहीं, हमारे पास 3 मिनट नहीं, हमारे पास 10 मिनट नहीं, हमारे पास 15 मिनट नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने दुआ को जरूरी नहीं समझा, हालांकि दुआ तो एक जरूरी समझने वाला अमल है कि इसको हमें लाजमी करना है। हदीस शरीफ में क्या आता है कि दुआ जो है तकदीर बदलती है, लेकिन हम इसको कोशिश करने की तैयार। और कैसी दुआ भाई, दो जानू बैठे हैं अल्लाह के सामने, हाथ उठाए और रोने की रोने जैसी सूरत बना ले, फिर धीरे धीरे रोने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे दे, एक आंसू भी अगर ना अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ में गिर गया, तो ये जहन्नम को बुझा देगा। इतनी ताकत है इस तौबा वाले आंसू में। तो आंसू अगर अल्लाह ताला के सामने गिर गए, मखलूक के सामने हम रोने को तैयार हैं, अपने मसाइल बताने को तैयार हैं। जी वक्त नहीं है तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए नहीं है, अल्लाह के सामने मांगने का वक्त नहीं है जो कि देने वाला है। तो मेरे दोस्तों, रमजान इस तरीके से गुजारे, रमजान में जो है तौबा करें, रमजान में जो है दुआ मांगे।